अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट। अच्छा, आज इसमें मैं बताऊंगी कुछ अपने बारे में बातें। सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि आप सबको पता है कि घुटनों में हुई है दर्द स्टार्ट यानी अब वो वाला टाइम आ गया है कि पहले वाला गुजर गया, अब दरमियान वाला है। ठीक है, चले बैठ के बातें करते हैं थोड़ी सी। बैठना भी ज़रा मुश्किल है, ज़्यादा वो नीचे होके भी नहीं मैं बैठ सकती ना, फिर उठने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, मुझे कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है, कुछ फ्रेंड्स ने कुछ क्वेश्चन किए हैं, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। लाइफस्टाइल से आप सब तकरीबन वाकिफ ही हैं कि गाड़ी चलाना मुझे बहुत पसंद है और मैं चलाती भी हूँ, पसंद था। अब जो है ना, मैं मतलब चला चला के समझ लें कि 20-25 साल से इंसान किसी चीज़ से तंग भी आ ही जाता है कि अब थोड़ी रेस्ट होनी चाहिए। लेकिन बेटे को चलानी आती है, कभी कभी वो साथ हेल्प करता है। हस्बैंड तो बिल्कुल सीखते नहीं, उन्हें मैंने सिखानी भी नहीं है। ठीक है, अगर उनको मैंने सिखा दी ना, फिर गए उड़ गए हाथ से, इसलिए ऐसे ही ठीक है, साथ में रखना चाहिए। तो बाकी रही बात हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे, बहुत बहुत वेरी गुड, बहुत नाइस पर्सन है वो। ठीक है, मेरे ऊपर उनका किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे घर के काम करने हैं या मैं बाहर नहीं जा सकती या मैं अपनी मर्जी से चीज़ें या शॉपिंग नहीं कर सकती। सब कुछ मैं मेरे घर में मेरी मर्ज़ी से होता है। ठीक है, मतलब मैंने शॉपिंग करनी हो तो, मैंने कहीं जाना हो तो, मेरा दिल करे मैंने सोना है तो भी ठीक है। और उन्हें मुझसे किस बात से शिकायत है ये भी किसी ने पूछा था, उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है, एक बात से है, वो बात बता दूँ सोच रही ना ही बताऊँ, वो ये है जी कि वो कहते हैं कि आप जो है ना सोती बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा मैं सोती नहीं हूँ, शायद उनको लगता है कि मैं ज़्यादा सोती हूँ, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा सोती हूँ। सोना भी तो ज़िंदगी के साथ साथ है ना, कि जैसे कि आप हम इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं इतना सफ़र करके, तो फिर मैं मुझे थकावट हो जाती है, फिर मैंने सोना ही है और क्या करना है। कहते हैं लो जी आए फ़ौरन, थोड़ा सा बातशात की सो गई हो तो मतलब क्या करूँ, ये तो उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए ना, ऐसा ही है ना। बहरहाल और उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही मैं उनको किसी शिकायत का मौका देती हूँ। हाँ, वो थोड़ी थोड़ी करते हैं बहस बूस, उस पर भी बहस बस, फिर भी उनको मैं ना हैंडल कर लेती हूँ। हस्बैंड मेरा और मैं हैंडल ना कर सकूँ ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मिसिस के बस में होता है ना, उसको उसने कैसे करना और कैसे चलाना। इन बातों में मुझे बहुत हंसी आ रही है कि जब ये वाली बात ये व्लॉग वो देखेंगे ना तो लाजमी इस पर भी वो बहस करके कहेंगे अच्छा तुम तो ऐसे कह रही थी, ऐसे बन के दिखा रही थी और बता रही थी, ऐसी बात नहीं। वो उनकी थिंकिंग, उनकी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको अच्छे से रखा हुआ है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें कि अगर मैंने उनको अच्छे से ना रखा हो तो क्या मैं इतनी मतलब पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, फिर तो नामुमकिन है ना। तो बाकी जी लाइफ स्टाइल में और क्या है, बस अपनी मर्ज़ी से रहती हूँ, अपनी मर्ज़ी से जीती हूँ, अपनी मर्ज़ी से सोती हूँ, उठती हूँ, खाती पीती हूँ, शॉपिंग करती हूँ। और ऐसा हर लड़की ख्वाहिश होती है कि मुझे ऐसा हो, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना मेरी लाइफ में हो और मुझे कोई सोते हुए उठाए ना। ठीक है, और शॉपिंग से कोई रोक टोक ना हो, मतलब जैसे कि लड़कियों की औरतों की ख्वाहिश होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये सारी ख्वाहिशें पूरी हैं और हो रही हैं और इंशाल्लाह होंगी भी। मैं वो नहीं हूँ कि बस ख्वाहिश ही बोलूँ कि मेरी पूरी करनी करनी, मैं जब ज़्यादा हंसती हूँ ना तो मेरी आंखों में आंसू पानी आ जाता है। ठीक है, 20 आँख में आ गया, मैं उसको भी साथ से साफ कर रही हूँ। कहते हैं ये खुशी के आंसू होते हैं, ठीक है, तो मेरी खुशी को कोई नज़र ना लग जाए, ठीक है, इसका भी ख्याल करना है। अच्छा जी, उसके अलावा घर में कौन कौन है, बेटा है, मेरी वालदा, वो कभी लाहौर होती हैं, कभी यहाँ आ जाती हैं, कभी अपने बेटों के पास, लेकिन वो मेरे पास होती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अम्मी मेरी पूरा वो हमारे घर को जो है ना बड़े अच्छे से रखती है। मैं अम्मी घर पर होती हूँ तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती, मैं हस्बैंड के साथ जिधर मर्जी भले कराची भले मार के मुल्क चली जाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, फिर मुझे पता है कि मेरा घर अपनी जगह बिल्कुल सही रहेगा। बाकी रही घर के काम की बात,
घर का काम मेरे ऊपर कोई किसी का प्रेशर नहीं है कि मैंने सफाई करनी है या डस्टिंग या कोई कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं, मतलब कोई भी काम मेरे ऊपर कोई भी लागू नहीं है। मैंने अपने पे रखा ही नहीं है, ठीक है। मैंने अपने ऊपर ना किसी को और ना किसी काम को हैवी नहीं होने दिया, मैं ही हैवी हूँ, ठीक है, अंदाज़ा कर ले आप लोग। अच्छा जी, तो काम करने के लिए माशाल्लाह से दो मेरे घर में बच्चियाँ हैं जो कि दोनों वो मिल के काम करती हैं, एक सफाई कर लेती है, एक बर्तन धो लेती है, फिर अगर एक कपड़े धोती है तो दूसरी प्रेस कर लेती है, अगर वालदा ने खाना बनाना है तो वो उसके साथ उसको चीज़ें पकड़ाती हैं या मसाले कटिंग करके दे देती हैं, इस तरह के सारे काम वो देखती हैं, ठीक है। और मैं जब कभी भी कोई काम करती हूँ ना, वो समझ लें कि मैं अपनी मर्ज़ी और अपने शौक से, और या मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा हो कि वो मेरे हाथ की कोई चीज़ खाएं तो मैं उनके लिए बना देती हूँ, या फिर बेटे का दिल हो कि मैं कुछ पका के दूँ तो मैं उनके लिए बना देती हूँ। बाकी मतलब कोई वो पाबंदी वाली बात नहीं है, और कोई ये भी नहीं है कि ये वाला काम मैंने उठना है और मैंने करना ही करना। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मैंने उठना है, खुद फ्रेश होना है, फिर मैंने जो कुछ खाने पीने के लिए वो भी इनसे, मैंने मुझे ये चाहिए मुझे वो मिल जाता है, ठीक है। या फिर हस्बैंड को कहीं जाना है, एक ये मेरी बड़ी टफ ड्यूटी है कि उनको कहीं जाना है, तो अगर उन्होंने मेरे साथ जाना है तो फिर जाहिर है मुझे टाइम पे रेडी होना पड़ता है, उनको फिर लेके जाती हूँ, फिर वापस लेके आती हूँ, मतलब गाड़ी ड्राइवरी वाला, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं, अगर वो भी मैं कह दूँ कि भी मैंने नहीं जाना या मेरा दिल नहीं कर रहा या मेरी तबीयत नहीं ठीक, यानी कि कोई बहाना लगा दूँ तो चल सकता है, लेकिन मैंने उनको कभी कोई बहाना लगाया नहीं है। वो जो कहते हैं ना तो मैं रेडी होती हूँ, वैसे भी बाहर बुहर जाने के लिए उनको जब होता है ना तो मैं बिल्कुल रेडी होती हूँ, उनके वो कहते हैं ना कि 9 बजे, मैं 8 बजे रेडी होती हूँ, वो इसलिए कि जाहिर है बाहर जाऊँगी, कुछ अच्छा खाने पीने को मिलेगा, कुछ चीज़ खरीद लूँगी, कुछ देखूँगी, कुछ थोड़ा घूमूँ फिरूँगी, वो भी घर में भी सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन एक थोड़ा सा होता है ना दिल की ख्वाहिश के थोड़ा बाहर जाके थोड़ा सा उड़ अड़ के आए ना थोड़ा सा, है तो वो भी करते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ, ये कोई भी मतलब उससे कम नहीं है, लग्जरी लाइफ इसी को कहते हैं। ना तो आपने घर का काम करना है, ना आपको सोए हुए कोई उठा सकता है, ना ही आपको ऊपर कोई ऑर्डर चलाने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। एक हस्बैंड है, तो मेरा हस्बैंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है, वो ज़्यादा ऑर्डर शॉर्डर चलाता नहीं है, बस वो अपना उसको कोई भी मामला कोई बात वो बताता है कि ये काम, ठीक है। वो मुझे ये नहीं कहता कि ये तुम करके दो, ठीक है, आगे फिर मेरी मर्जी होती मैं खुद करूँ या मैं काम वाले से करवाऊँ या मतलब जिसके मतलब वो है, मैंने किससे करवाना है वो फिर मेरा मसला है, या फिर मैं कहूँ कि भाई ये मेरे बस से बाहर है, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं वो खुद भी कर लेते हैं। हाँ, घर के काम वो कभी कोई खुद नहीं करते। अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो मतलब किसी जगह पे हम आउट ऑफ सिटी गए, हमारे साथ कुछ सामान है, गाड़ी से बिल्कुल भी मैं नहीं निकालती, ठीक है, वो खुद रखते भी खुद हैं, निकालते भी खुद हैं, यहाँ तक कि मैं उनको कहती हूँ ना कि आज हम यानी मरी चले गए हैं, भाई सुबह 12 बजे तक रूम है, मुझे 11 बजे तक नहीं जगाना, ठीक है, तो वो बिल्कुल पाबंदी करते हैं, 11 बजे तक वो मुझे जगाते नहीं है, लेकिन वो 5 बजे उठ जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो बैठते नहीं है, वो अपनी उछल कूद लगाई रखते हैं, चीज़ पैकिंग कर रहे होते हैं, किसी को फोल्ड कर रहे होते हैं, कोई सामान इधर से उधर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरी फिर आंख जो है ना वो मेरे साथ कोई खड़खड़ाच कुछ भी हो मैं फौरन उठ जाती हूँ, मेरी आंख खुल जाती है, तो आगे से वो मुझे पता क्या कहते हैं, मैंने नहीं आपको जगाया, कहते हैं मैंने आपको जगाया नहीं, मैं कहती हूँ बिल्कुल जी यू आर राइट, आपने मुझे जगाया नहीं लेकिन आपने सोने भी नहीं दिया। इस बात पे मैं खुद भी हंसती हूँ, अभी भी मैं हंस रही हूँ और वो भी बहुत हंसते हैं इस बात पे, ठीक है। बाद में हम जब निकल जाते हैं गाड़ी में जा रहे होते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ कि वो देखो ना आपने मुझे सोने नहीं दिया, कहता किधर, मैंने तो तुम्हें जगाया ही नहीं, मैं कहती बिल्कुल आप सच्चे हो कि आपने नहीं जगाया, लेकिन आप खुद तो उठ के इधर उधर टप टपा कर रहे थे, मैं कैसे सोती, तो वो कहता है ठीक है मैंने अपनी रूटीन के मुताबिक मैं उठ गया तुम सोई रहती, मैं कहती ऐसे कैसे मैं सोती जब आप उठ गए थे और आप शोर चीज़ों की ठक ठुक कर रहे हो तो मैं कैसे सोती जी। बहरहाल बहुत हंसी मजाक होता है, ऐसे छोटी छोटी नुक्तों होती है, इन बातों में मज़ा भी आता है, ठीक है, और बहुत अपनी लाइफ में हम इन्जॉय भी बहुत करते हैं। बस यही है कि वो मेरे ब्लॉगों में आ नहीं रहे, अगर वो आ जाए ना तो आप लोगों को बड़ी हंसने वाली
और बड़ी बड़ी फनी फनी बातें सुनने को मिले। ठीक है, तो मैं कोशिश तो करती, मैं कहती अच्छा ब्लॉग के अंदर आपने नहीं आना तो बात तो करो ना, पता कि शर्माते हैं क्या मसला, कहते हैं नहीं बात भी नहीं करते और बात भी नहीं करनी। ठीक हो गया, ये थी कुछ थोड़ी सी खास मेरी लाइफ की बातें। ठीक है, और कहीं मैं जाऊं और कोई चीज़ ना लूं ये हो नहीं सकता। कभी भी जहां भी मैं जाती हूं, आउट ऑफ सिटी जाती हूं या मैं बाहर जाती हूं, तो कुछ ना कुछ मैं लाजमी कुछ छोटी मोटी चीज़ ख़रीद लेती हूँ या कुछ खाने पीने का। और खाने पीने का कुछ लोग कहते हैं कि जी आप हेल्दी, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहती हूँ, जिस जिस इंसान को इतनी सारी सहूलतें मिली हों तो वो हेल्दी ना हो तो और क्या होगा, आप लोग खुद फैसला करें। खाती मैं ज़्यादा नहीं हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ। अगर मैं ज़्यादा ज़्यादा खा लूँ हाफ नान खा लेती हूँ, अगर बहुत ही ज़्यादा मैंने पूरे दिन से कुछ ना खाया हो तो पूरा नान मैं खा लूँ ना तो फिर वो खाना समझ लें कि मुझे काफ़ी देर तक हजम नहीं होता, मैं पेट में मतलब यहाँ खड़ा रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा खाती नहीं है मैं, मुझे शौक़ बहुत है बाहर जाके खाने का, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जी बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है कि अल्लाह पाक किसको किस हाल में रखे। बहरहाल फिर के मैं तो तौबा करती हूँ, तौबा अस्तगफुरुल्लाह, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सब कुछ अल्लाह की देन है, ये सब कुछ अल्लाह ने अता किया है और इतना हस्बैंड मुझे अल्लाह ने दिया है। ठीक है, कि जिसने ये सब सहूलतें मेरे लिए की हैं अरेंज, अगर वो ना हो, वो ये सारी सहूलतें मुझे ना दें तो जाहिर है मैं तो कुछ भी नहीं, फिर मुझे भी करना ही, जाहिर है मुझे करना ही पड़ता, बर्तन भी धोने पड़ते, कपड़े भी धोने पड़ते, सब कुछ करना पड़ता। और मेरे ख्याल में मैंने रोटी बनाई थी कोई 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है, मैंने 2 रोटियां बनाई थी। ठीक है, वो भी उनके लिए ना अपने हाथों से, कोई नहीं था घर में, ईद थी, कोई भी नहीं था, लड़कियां काम वाली नहीं थी, तो रोटी बाज़ार से, तकरीबन रोटियां बाज़ार से आती, घर में भी बनती हैं, लेकिन वो कह रहा था कि मुझे किसी हाल की रोटी नहीं खानी, आज जो ना मुझे रोटी कैसे क्या होगा। मैंने कहा बाज़ार से, बाज़ार तो दूर बंद थे, तो मैंने कहा आज मैं आपके लिए बनाती, मैंने उनके लिए 2 रोटियां बनाई। इतने खुश हूँ, इतने खुश हूँ, उसने मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। और उससे पहले एक बार मैंने रोटी बनाई थी 8 साल बाद, ठीक है 8 साल पहले मैंने कभी रोटी बनाई थी, और उसके 8 साल बाद फिर मैंने 2 रोटियां वो भी उन्हीं के लिए बनाई थी। ठीक है, कभी मैंने वो भी नहीं बनाई, और सालन वगैरह मैं अपनी मर्जी से, अपने शौक से, तो उन बेटे की और हस्बैंड की मर्ज़ी से कभी कभी मैं बना देती हूँ, या कोई मेहमान ख़ास आ जाए घर में तो मेरा दिल करता है कि इन मेहमानों के लिए मैं कोई डिश बनाऊँ ताकि ये मेरे हाथ का खाना खाएं और ये बताएं कि इनको कैसा लगा। जैसे कि हर किसी को तारीफ सुनने का शौक़ होता है, कोई ख़ास मुझे शौक़ नहीं है तारीफें सुनने का, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि इनको मैं खाना बना के खिलाऊं और मेरे मेहमान हैं मेरे घर से खुश होके जाएं। ठीक है, ये थी छोटी छोटी सी बातें और छोटी सी जो खुशियाँ लाइफ की मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो बाकी जी जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी ऑल पे करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना है। ठीक हो गया, बाकी चले फैमिली मतलब बहन भाई या वालदैन ये वो सब किसी टाइम मैं किसी और व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ऐसे मैंने पूरा खानदान इसी में बताना शुरू कर दिया तो ये तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो पूरी पूरी ज़िंदगी की डिटेल तो एक व्लॉग में आ नहीं सकती ना। बाकी मेरा जो माँ बाप के घर थे ना, तो वहाँ पर भी मैंने इतनी शहनशाह ज़िंदगी गुजारी है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि वहाँ भी मुझे कभी मौका नहीं मिला कोई काम करने का। ठीक है, बड़ी भी मैं थी लेकिन मेरी वालदा, मैं तो सोई होती थी, जब मैं उठती थी तो मम्मी यही कहती थी कि उठ जाओ नाश्ता कर लो। ठीक है, तो उठती नाश्ता करती अपनी मर्जी से, दिल किया उठूँ, दिल किया ना उठूँ, पूरे घर में अपने मौज मस्ती, खेलना, खिलौने, सब कुछ। छोटे बहन भाई थे उन सबको भी मैंने बहुत ख्याल रखा और मैं आज तक रखती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 5 हम बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, हम एक छोटी है, एक मैं और 3 भाई हैं, उन चारों का भी मैं बहुत ख्याल रखती हूँ और हस्बैंड को भी कोई शिकायत नहीं होती ना उनसे ना मुझसे। वालद जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए, अल्लाह पाक जो है उनके ज़िंदगी में कुछ भी उनसे ऊँच नीच हुई हो तो अल्लाह पाक उनको माफ़ करे और अल्लाह पाक हमें भी माफ़ करे, और अपने वालदैन के लिए दुआ करनी चाहिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वालदैन की दुआएं लेनी चाहिए, कभी भी बददुआ नहीं लेनी चाहिए। और मुझे जो भी ये सब कुछ मुझे मिला ये मेरे वालदैन की दुआएं हैं। ठीक है, मेरे वालद की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी वालदा की भी दुआएं मेरे साथ हैं,
ये थी छोटी सी मेरी लाइफ की खट्टी मीठी बातें। उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आई होंगी और अल्लाह पाक साहब को ऐसे ही हस्बैंड दे के जो आपको हर चीज़ इधर बैठे बैठे बैठा अवेलेबल करे, ठीक है। तो मेरे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हैं, जैसे कि मैं ज़्यादा हेल्दी हूँ वो मुझसे ज़रा हाफ है, ठीक है। मैं बैठी होती हूँ, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत भी होती है ना, तो मैं कभी ऐसी चीज़ मैं कहती हूँ कि वो चीज़ मुझे चाहिए, वो मैं कहती हूँ अभी मैं मुँह से निकाल दूँगी वो चीज़ मुझे चाहिए, मैं किसी को बुलाऊँ ना बाहर से आवाज़ दूँ कि मुझे दे के जाओ, तो इतनी देर में वो उठ के वो चीज़ पकड़े कहते हैं ये लो। तो ऐसे हस्बैंड होने चाहिए और ऐसे अपनी मिसेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो घर में कभी भी कोई फसाद नहीं होता, कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि औरतों को ये इस तरह की छोटी छोटी बातें बहुत पसंद और बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। और मेरी सब भाइयों से ये गुजारिश है कि भाई इससे आपका कुछ घट नहीं जाएगा, कि अगर ये मेरा मोबाइल फ़ोन इधर पड़ा है मैं उधर बैठी हूँ, अगर आपकी मिसेज कहती है वो ज़्यादा हेल्दी है या किसी घुटने छुटने कमर में दर्द है तो वह कहती है कि वो मैंने पकड़ना है या किसी को बुलाती है, तो अगर आप भी यहाँ से उसको एक सेकंड के लिए पकड़ा देंगे पकड़ उठा के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि वो आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी कि देखो ये कितना अच्छा इंसान है। तो ये मैंने बहुत अच्छी अच्छी थोड़ी सी बातें बतानी थी, मैंने बता दी, और रियल में मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ ऐसे ही है। आप लोग मेरे व्लॉग देखते होंगे तो ज़्यादा घूमने फिरने के और आगे पीछे खाने पीने के घर के कामों के, तो वो मैं करूँगी तो दिखाऊँगी ना, मुझे कहते डेली रूटीन। अब मैं नेक्स्ट बनाऊँगी, मैं अपनी रूटीन भी थोड़ी सी बताऊँगी कि मैं उठती हूँ क्या करती हूँ, सोती हूँ क्या करती, सारा कुछ, ठीक है। अभी इसमें मैं चाहूँगी ज़्यादा जी, अल्लाह हाफिज़।